एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस दूध को अच्छे तरीके से उबाल ला के गर्म कर लिया है। अब इसको हम गर्म करने के बाद साबूदाने जो है उनको हम धो लेंगे। धोने के बाद इसमें डाल देंगे गर्म करने के बाद दूध में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप साबूदाने लिए थे मैंने, तो उसको मैंने दूध में डाल दिया है 1 किलो दूध में। और मैंने इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम काट के डाल देंगे इसमें और अच्छे तरीके से इनको दूध में मिला देंगे और फ्लेम को अभी हाई रहने देंगे। और फ्रेंड्स, हम इसे चलाते रहेंगे तब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इस खीर को, देखो फ्रेंड्स, अब हमारी जो खीर है उसमें अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे या लो कर देंगे बिल्कुल, जिससे, और इस खीर को हमें 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे। पर बीच बीच में हम इसे वो भी कर लेंगे। हमने 4-5 इलायची ली है, उनको अच्छे तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद छिलका हटा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इलायची हमने हमारी जो खीर है साबूदाने की उसमें डाल दी है। और डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें 20-25 मिनट हो गए हैं, हमारी खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें चीनी डाल दी अपने मेजरमेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स, 2 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को कर देते हैं हम बंद। ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल एकदम सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये देखिए फ्रेंड्स, अब भी इसमें उबाल आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बिल्कुल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और कितना अच्छा कलर आया है। ये बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स,